दोस्तों इस वीडियो में मैं करने वाला हूं एक माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर आप हैं एक नए यूट्यूबर और ढूंढ रहे हैं एक बढ़िया सा और सस्ता माइक्रोफोन तो ये वीडियो आप देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज ग्रुप पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप बढ़िया वीडियो आप बना रहे हैं और बढ़िया कंटेंट आपके वीडियो में है, लेकिन आपके आवाज की क्लियरिटी नहीं है तो वो वीडियो किसी काम का नहीं है, उसको कोई भी देखने वाला नहीं है, या एक अच्छा कंटेंट होते हुए भी उस वीडियो को लोग नजरअंदाज कर जाएंगे। तो अपनी आवाज है वो उस वीडियो में क्लियरिटी होनी चाहिए दोस्तों। तो आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि एक अपन सस्ता जो माइक्रोफोन है वो कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। दोस्तों मैंने एक बोया कंपनी का माइक्रोफोन है वो परचेज किया है और अमेज़न से मैंने उसको मंगाया। तो चलिए उसकी देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज है और करते हैं उनकी अनबॉक्सिंग और करते हैं उनका रिव्यू। तो चलिए दोस्तों ये है, देखिए ये अपना जो मैंने अमेज़न से ये परचेज किया है और ये देखिए इसका भारी जो आवरण आया है, ये इस प्रकार से बॉक्स की पैकिंग हमारे पास ये आई है। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है इसको अपन अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले। तो यहां से अपन इसको खोलते हैं। देखिए इस तरह से ये पैकिंग होके ये आया है दोस्तों। ये देखिए इसमें एक छोटा सा मिनी माइक्रोफोन आया है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये बोया कंपनी का माइक्रोफोन है, बहुत ही सस्ता है। ये देखिए दोस्तों इसका ये भारी लुक है और ये इसका मॉडल नंबर है BY-M1 है और दिखने में इस तरह से है। और पीछे इसकी फैसिलिटी के बारे में ये दे रखा है कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है और क्या इसका डिस्क्रिप्शन में क्या रखा है, इसमें ये सारी बातें इसमें दे रखी है। ये मेड इन चाइना यहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ नहीं आपको मैं थोड़ा नजदीक ला प्रोडक्ट है। तो इसको अपन ओपन करते हैं कि वास्तव में इसके अंदर क्या है और कैसा ये दिखता है। चलिए इसको ओपन करते हैं अपन। ये देखिए इस तरह से इसमें ये एक छोटे से बैग में बोया का ये माइक्रोफोन निकला है ये, और ये इसके विवरण है, ये जिसको कोई नहीं पढ़ता है इसके बारे में दे रखा है कि क्या क्या इसे हमें यूज लेना चाहिए। यहाँ कुछ चाइनीज भाषा में दे रखा है और यहाँ इंग्लिश में दे रखा है, कोई बात नहीं है। और ये इसके बारे में दे रखा है कि कैसा प्रोडक्ट, कैसे हमें यूज करना चाहिए और कैसे इसको काम में लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले ही मैंने इसको देखा है और मेरे दोस्त के पास इसे देखा, मैंने यूज करके इसको लिया है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। इसकी परफॉर्मेंस है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, इसकी आवाज की जो क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो देखिए दोस्तों ये ऐसा निकला इससे एक, और इसमें शायद कुछ और भी है। ये देखिए साथ में इसके दो जैक पैड भी निकले हैं और इस तरह से ये देखिए ये अपना बोया कंपनी का जिस माइक्रोफोन की अपन बात कर रहे थे वो ये माइक्रोफोन है। और यहां देखिए दोस्तों लगभग इसकी जो ये जो केबल है इसकी बहुत ही लंबी साइज है, लगभग इसकी 20 फुट की दूरी तक की ये केबल की लंबाई है। तो आप अगर अपने वीडियो रिकॉर्डर या DSLR का प्रयोग कर रहे हो या फिर मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप इसको इस जैक के द्वारा मोबाइल में भी इसको लगा सकते हो और अपने वीडियो रिकॉर्डर जो कैमरा है उसमें भी आप लगा सकते हो। ये सभी एंड्रॉयड फोन, आईफोन, विंडो फोन सभी में सपोर्टेबल है। अगर आप करना चाहते हो रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर से तो ये कंप्यूटर के लिए भी सपोर्टेबल है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग जो कैमरा होता है जैसे DSLR जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग में भी आप इसे लगा सकते हो। कहने का मतलब ये ऑल इन वन है, सभी
रिकॉर्डिंग के जो हमारे पास संसाधन होते हैं उसमें ये सपोर्टेबल है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से ये छोटा सा देखिए, ये है यहाँ माइक्रोफोन, छोटा ये स्पीकर है जिसे अपन इस तरह से इसको अपन यहाँ लगा सकते हैं, जिससे इसकी आवाज बहुत ही क्लियर आवाज आएगी दोस्तों। आपकी वीडियो में जो आवाज है वो बहुत बढ़िया आएगी। इस छोटे सी थैले में देखते हैं, देख क्या क्या आया है। इसको ओपन करते हैं और ये देखिए, ये एक पिन आई है, जैक आया है, जिसके अंतर्गत अपन कोई अपने पास रिकॉर्डिंग के लिए कोई बड़ी मशीन है, एम्पलीफायर है, जैसे होता है उसमें अपन इसको यहाँ लगा करके इसको सपोर्ट करके दोस्तों लगा सकते हैं। इस तरह से वहां से भी अपन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये एक छोटी पिन है जिसको अपन अपने कॉलर में लगा सकते हैं, यहाँ इसको जैसे इस तरह से एडजस्ट कर इस तरह से, और यहाँ अपन इसको करके अपने कॉलर में कहीं पर भी जैसे यहाँ इसको अपन लगा सकते हैं, तो यहाँ से इसकी आवाज है वो बहुत ही अच्छी आएगी। और ये इस तरह से, और साथ में इसकी एक बैटरी भी दी गई है दोस्तों। यहाँ इसकी बैटरी है वो ओपन होती है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ, ये देखिए यहाँ इसकी ये बैटरी है, और इस बैटरी का बैकअप भी बहुत अच्छा है। एक बार इसको डाल लेते हैं तो लगभग अपन 8 से 12 महीने तक इसको काम में लिया जा सकता है। यदि आप रोजाना दिन में 8-10 घंटे भी अगर काम में लेते हैं तो इसका लंबा बैकअप है। तो यहाँ इसको अपन डाल लेते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ ये इसका जो बैटरी है वो डल जाती है। इसको एक बार डालने के बाद काफी दिन इससे काम हमारा चल जाता है। और इस तरह से ये यहाँ देखिए स्विच दिया है, ये देखिए ये स्विच दिया है यहाँ, और यहाँ पर दो अलग अलग जो, एक तो कैमरा और एक स्मार्टफोन के लिए है। अगर आपका वीडियो कैमरा रिकॉर्डर है जैसे DSLR है तो आप इसे ऊपर की तरफ ऑन कर लीजिएगा। अगर ये है आपका कोई फोन या मोबाइल, एंड्रॉइड फोन, आईफोन, विंडो फोन जो भी है, तो आप इसे नीचे की तरफ कर लीजिए, तो इसकी जो आवाज है वो सब में सपोर्ट हो जाएगी। और इसकी ये देखिए ये केबल है, और इसकी लगभग 20 फुट की इसकी लंबाई है दोस्तों, और यहाँ इसको कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जब इसको अपन समेटेंगे तो ये हो सकती है कि इधर उधर हो जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान से अपन करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप का ये भी सवाल होगा कि अपन इतनी बड़ी जो ये केबल है, वायर है, तो इसको कैसे अपन हाइड अपन करेंगे, जब भी अपन अपने मोबाइल या अपने DSLR या वीडियो कैमरा में इसको डालते हैं पिन को, तो उसमें डालकर नीचे से अपन पीछे से अपने जो शर्ट या टी शर्ट है उसके नीचे से डालकर अंदर लाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। इसके साथ ही एक ये छोटा सा इसका प्रोडक्ट ये भी है, तो यहाँ पर इसको लगा कर, तो नॉइस है वो बहुत ही इसकी कम है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको पहले यूज किया है और आगे मैं इससे ही रिकॉर्डिंग करने वाला हूं। और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो तो ये लगभग 1100 रुपए के लगभग ये आ जाता है। वर्तमान में इसकी जो रेट चल रही है अमेजन पर 1190 रुपए की इसकी रेट चल रही है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, अगर आपका बजट कम है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसे लगभग 1100 रुपए या 1110 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्टली साइट पर आप जाते हो तो ये 1190 रुपए का आपको या इससे ज्यादा मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रखा है वहां से आपको लगभग 60-70 रुपए का ये इसमें फायदा आपको हो जाएगा। तो आप खरीदना चाहते हो तो वहां से आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ये जो माइक्रोफोन है इसका जो बैकअप है बहुत ही अच्छा आ रहा है। मोबाइल में आप इसे यूज कर सकते हो, कंप्यूटर में इसको यूज कर सकते हो, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग में इसको आप यूज कर सकते हो। इसकी आवाज और क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है, और इसकी जो नॉइस है वो भी बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है इसकी। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको जब यूज नहीं करना चाहते हो तो इसका एक छोटा सा ये बैग दिया है जो बंद भी है, ऊपर से इस तरह से खींचोगे तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आप डालकर इसे कहीं पर भी ले जा सकते हो, और ज्यादा महंगा नहीं है दोस्तों। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और आपका बजट कम है तो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो और आपको अच्छा लगा होगा, और ये प्रोडक्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इसे मंगाना तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे मंगा सकते हो। और
मैं सलाह देता हूं आपको इसी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। हालांकि बाजार में बहुत सारे आपको इससे सस्ते भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर शुरुआती तौर में आपके पास इतना बजट भी नहीं है तो आप एक नॉर्मली अपने मोबाइल फोन का जो माइक्रोफोन आता है उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वो आवाज जो आनी चाहिए क्लियरिटी वो आवाज उसमें नहीं होती है। तो आप जब शुरुआती आपका चैनल नया है, यदि नए चैनल के अंतर्गत कुछ कमियां रही, अगर आवाज लोगों को क्लियर नहीं सुनाई दी, अगर आप बताना भी चाहते हैं, लोगों को समझाना भी चाहते हो, आवाज क्लियर नहीं आती है, तो भी आप तो आपका वो चैनल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप बोया जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है यही आप खरीदे, इसी सीरीज का आप खरीदे, क्योंकि इससे महंगे और भी आपको माइक्रोफोन मिल जाएंगे, तो 7,000 तक भी मिल जाएगा, 10-15,000 रुपए तक भी मिल जाएगा। लेकिन एक सबसे बढ़िया सबसे अच्छे बजट का जो प्रोडक्ट है वो बोया कंपनी का इसी सीरीज का है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप शुरुआती तौर पे इसे खरीद सकते हो और इसको काम में ले सकते हो। दोस्तों मैं आगे मेरे आने वाली वीडियो में यही बताऊंगा कि कम बजट में हम अपना एक यूट्यूब चैनल वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, सबसे शुरुआती तौर में हमें किन किन संसाधनों की है वो आवश्यकता चाहिए। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो मैं इस आगे जितने भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा तो उसमें सबसे सस्ते जो गैजेट हैं और जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, ज्यादा महंगे नहीं है, अगर आपका बजट कम है तो उनके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस प्रकार के जब वीडियो आएंगे तो आप आपको मिलेंगे, और वो तभी मिलेंगे जब आप मेरे बेल आइकन को आप दबाओगे वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको प्रोडक्ट पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।